हेलो स्टूडेंट्स, आई भाग्यश्री गोस्वामी फ्रॉम हाईजेक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एंटी न्यूक्लास्टिक एजाइम. इससे पहले भी हमने एंटी न्यूक्लास्टिक एजेंट्स के कुछ पार्ट हमने क्या किए हैं पढ़े हैं, जिसमें हमने एल्कलाइटिंग एजेंट पढ़ा है, एंटी मेटाबोलाइट्स पढ़ा है, एंटीबायोटिक आज हम पढ़ेंगे, हमने प्लांट प्रोडक्ट्स पढ़ने हैं. तो हमने एल्कलाइटिंग एजेंट में उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसकी ड्रग्स के बारे में देखा. आज हम स्टेरॉइड्स हम पढ़ेंगे और हम एंटीबायोटिक्स के बारे में देखेंगे और कुछ मिसलिनियस ड्रग्स हैं उनके बारे में देखेंगे. कंटेंट है स्टेरॉइड्स हार्मोन एंड दियर एंटागोनिस्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्टेरॉइड हार्मोन एंड दियर एंटागोनिस्ट, ड्रग एंड स्ट्रक्चर्स, एंटीबायोटिक्स, मिसलिनियस ड्रग्स एंड ड्रग एंड ड्रग स्ट्रक्चर्स. स्टेरॉइड्स हार्मोन एंड दियर एंटागोनिस्ट, जिसे इसमें नाम इंडिकेट है कि जो स्टेरॉइड हार्मोन के बारे में हम बात करेंगे और उनके जो एंटागोनिस्ट हैं, मतलब जो उनके अगेंस्ट में काम करेंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम हार्मोन्स की बात करते हैं. फर्स्ट है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में हमने बहुत पहले भी हमने पढ़ा था. जब हिस्टामाइन के बारे में आता थी तो हमने ऑटोकॉइड्स के बारे में पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स सच एज प्रिडनिसोलोन एंड डेक्सामेथासोन हैव मार्क्ड इन इनहिबिटरी इफेक्ट्स ऑन लिम्फोसाइट प्रोलीफ्रेशन. इसमें जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, जैसे प्रिडनिसोलोन और डेक्सामेथासोन, ये जो ड्रग्स होती हैं, ये इनका जो एक्शन होता है वो इनहिबिटरी एक्शंस होता है. मतलब वो इनहिबिट करती हैं, इनहिबिट कर देती हैं लिम्फोसाइट जो होते हैं उनके प्रोलीफ्रेशन को क्या कर देता है, ये इनहिबिट कर देते हैं. यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमियाज एंड लिम्फोमास. ये मोस्टली क्या होते हैं, जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं वो ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के जो ट्रीटमेंट में इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है. Their ability to lower raise intracranial pressure and to mitigate some of the side effects of anti-cancer drug make them useful as supportive therapy. इसमें एक्चुअली होता क्या है कि हमने देखा कि इससे पहले हमने जितनी ड्रग्स पढ़ी हैं उसमें बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं. एंटी कैंसर ड्रग्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा क्या दिखाती हैं, अपने साइड इफ़ेक्ट शो करती हैं. तो ये जो हार्मोन्स होते हैं इनकी, मतलब हार्मोन्स क्या करते हैं, ऐसे सपोर्टिव थेरेपी यूज़ किया जाता है कि मतलब उनके साइड इफ़ेक्ट को लोवर कम कर देना. ये इनको ऐसे ये ध्यान रखना है कि सपोर्टिव थेरेपी इनको यूज़ किया जाता है. उसके बाद है एस्ट्रोजन्स में है डाईथाइल एस्टिलबेस्ट्रॉल एंड एस्ट्रोडायल आर टू एस्ट्रोजोन्स यूज्ड क्लिनिकली इन द पैलेटिव ट्रीटमेंट ऑफ द एंड्रोजन डिपेंडेंट प्रोस्टेटिक ट्यूमर्स. जो डाईथाइल एस्टिलबेस्ट्रॉल है और इथाइनिल एस्ट्रोडायल है, ये क्या, जो ये क्या है, दो एस्ट्रोजोन्स हैं और इनको एंड्रोजन डिपेंडेंट प्रोस्टेटिक जो ट्यूमर्स होते हैं, प्रोस्टेटिक ट्यूमर्स होते हैं, उनमें इनको यूज़ किया जाता है. The latter compound has fewer side effects. उसके बाद के जो compounds हैं उनमें क्या हुआ, बहुत कम side effect देखे गए. These tumors are also treated with gonadotropin releasing hormone analogs. मतलब कि कुछ hormone की वजह से these tumors are also treated with gonadotropin releasing hormone से भी इनको क्या किया गया, इनको use किया गया. Estrogens can be used to recruit resting memory cancer cells into the proliferating pool of cells, thus facilitating killing by other cytotoxic drug. इसमें जो estrogens होते हैं वो use किए जाते हैं resting memory cancer जो cells होती हैं उनकी proliferating जो pools of cells होती हैं उनमें इनको क्या किया जाता है, use किया जाता है. और ये भी क्या होते हैं, cytotoxic drug होते हैं, मतलब direct क्या करते हैं, cell पे attack करेंगे. फिर उसके बाद है progestin. प्रोजिस्टिन्स में क्या होता है, प्रोजिस्टिन जैसे मैगेस्ट्रॉल और मेड्रोक्सी प्रोजिस्ट्रॉन हैव बीन यूजफुल इन एंडोमेट्रियल नियोप्लास्म एंड इन रीनल ट्यूमर टू ब्रिंग टेम्परेरी रिमिशन. इसमें क्या होता है कि जो प्रोजिस्टिन होते हैं, प्रोजिस्टिन जैसे मैगेस्ट्रॉल और मेड्रोक्सी प्रोजिस्ट्रॉन जो होते हैं,
वो एंडोमेट्रियल न्योप्लाज्मे में या फिर रीनल ट्यूमर्स में भी इनको यूज़ किया जाता है। उसके बाद है एंटी एंड्रोजन्स जो होते हैं, एंटी एंड्रोजन जैसे फ्लूटामाइड, जो फ्लूटामाइड होंगे वो क्या करते हैं, एंड्रोजन एंटागोनिस्ट यूज इन प्रोस्टेट ट्यूमर्स सिंस दे इंक्रीज एंड्रोजन लेवल्स। एंटी एंड्रोजन में हमने देखा फ्लूटामाइड है, तो ये क्या करते हैं एंड्रोजन एंटागोनिस्ट यूज इन प्रोस्टेट ट्यूमर्स, और ये ज़्यादातर केस में यूज़ किए जाते हैं जो प्रोस्टेट ट्यूमर्स होते हैं उनमें इनको यूज़ किया जाता है। इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। स्टीरॉयड और रिसेप्टर क्या करते हैं, एक एक्टिवेटेड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद ये न्यूक्लियस बनता है, न्यूक्लियस बनने के बाद जीन, जीन से mRNA, mRNA से प्रोटीन, प्रोटीन से क्या होता है सेलुलर ग्रोथ होती है। तो ये जो स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं वो क्या करते हैं, कम्पीट करते हैं नेचुरल हार्मोन के साथ में, ठीक है। हमने लिखा है स्टेरॉयड हार्मोन्स कम्पीट विद द नेचुरल हार्मोन्स फॉर रिसेप्टर्स, तो ये क्या करते हैं स्टेरॉयड हार्मोन वहाँ पे बाइंड हो जाते हैं और क्या करते हैं आगे की प्रोसेस नहीं हो पाती है, तो इस प्रोसेस को क्या करते हैं इनिबिट कर देते हैं, मतलब वहाँ पे रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाते हैं। इसके बाद ड्रग है जिसमें टमोक्सीफेन, टमोक्सीफेन जो होती है वो यूजफुल होती है कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट इन बोथ पोस्ट एंड प्री मोनोपोजल वुमेन्स के अंदर, मतलब ये ब्रेस्ट कैंसर में टमोक्सीफेन को यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की, एंटीबायोटिक्स में जो है एंटीबायोटिक्स ज़्यादातर जो डिजीज़, मतलब हम देखें कि हमने बहुत सारी पहले भी आप लोगों ने एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ा होगा, तो यहाँ हम जो एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे वो हम डेक्टिनोमाइसिन यूज़ करेंगे, डेक्टिनोमाइसिन, डोनोरुबिसिन, डॉक्सोरुबिसिन, ये वाली एंटीबायोटिक्स हम यूज़ करेंगे। इंटरकैलेट्स इनटू द माइनर ग्रूव्स और डबल हेलिक्स बिटवीन जी बॉन्ड सी बेस पेयर्स ऑफ DNA एंड इंटरफेयर विद द मूवमेंट ऑफ RNA पॉलीमरेज अलॉन्ग द जीन प्रिवेंटिंग ट्रांसक्रिप्शन। ये जो डेक्टिनोमाइसिन होता है ये डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर होती है, मतलब जो DNA जी और सी जो बेस पेयर होता है DNA का, उसमें वहाँ पे होती है इंटरकैलेट्स करती हैं और RNA जो पॉलीमरेज होते हैं उनमें उनके मूवमेंट को इंटरफेयर करती हैं, और ये क्या करती हैं कि प्रिवेंट कर देती है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को। मे ऑल्सो कॉज स्ट्रैंड ब्रेक्स एंड स्टेबलाइज DNA टोपो आइसोमर्स सेकेंड कॉम्प्लेक्स। ये क्या करते हैं, ये जो एंटीबायोटिक्स है जिसमें हम डेक्टिनोमाइसिन की बात कर रहे हैं, डेक्टिनोमाइसिन क्या करता है जो स्ट्रैंड होती है उसको तोड़ देती है, ठीक है, और ये टोपो आइसोमरेज सेकेंड जो कॉम्प्लेक्स था उस पर क्या करती हैं काम करती हैं। अब डॉक्सोरुबिसिन की बात करते हैं, डॉक्सोरुबिसिन में क्या होता है बाइंड टू DNA एंड इनिबिट बोथ DNA एंड RNA सिंथेसिस। ये डॉक्सोरुबिसिन क्या होती है DNA से बाइंड हो जाती है, जब ये DNA से बाइंड होती है तो ये इनिबिट कर देती है DNA और RNA दोनों के सिंथेसिस को। फिर है प्रोड्यूसेस ब्रेक इन DNA स्ट्रैंड बाय एक्टिवेटिंग टोपोआइसोमरेज सेकेंड एंड प्रोड्यूसेस सेमी क्विनोन फ्री रेडिकल। ये क्या करते हैं कि ये DNA स्ट्रैंड को ब्रेक कर देते हैं, मतलब तोड़ देते हैं, फिर उसके बाद एक्टिवेट कर देते हैं टोपोआइसोमरेज सेकेंड, और उसको एक्टिवेट करने के बाद क्या करते हैं ये सेमी क्विनोन फ्री रेडिकल बना देते हैं। उसके बाद जब सेमी क्विनोन फ्री रेडिकल बन गया, सेमी क्विनोन फ्री रेडिकल रिड्यूस मॉलिकुलर ऑक्सीजन टू सुपर ऑक्साइड आयन एंड H2O2 दैट मीडिएट्स सिंगल स्ट्रैंड सीजन ऑफ DNA। जो सेमी क्विनोन जो रेडिकल बना है वो क्या करता है सुपर ऑक्साइड, मतलब रिड्यूस कर देता है मॉलिकुलर ऑक्सीजन को, जो मॉलिकुलर ऑक्सीजन होगा उसको सुपर ऑक्साइड आयन और H2O2 में कन्वर्ट कर देगा, और जो क्या करते हैं एक सिंगल स्ट्रैंड सीजन ऑफ DNA मीडिएट्स होते हैं उसको बना देते हैं। फिर उसके बाद है ब्लू माइसिन की बात करते हैं, ब्लू माइसिन में क्या होता है ग्रुप ऑफ मेटल चिलेटिंग ग्लाइकोपेप्टाइड्स एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस वेंट्रिकुलस वर्टिकुलस। तो इसमें क्या होता है कि ये जो ब्लू माइसिन होते हैं ये मेटल चिलेटिंग ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक हैं, और जो किससे मिलते हैं हमें स्ट्रेप्टोमाइसिस वर्टिकुलस से मिलते हैं। फिर है प्रोड्यूसेस चिलेशन ऑफ कॉपर और आयरन आयन विच प्रोड्यूसेस सुपर ऑक्साइड आयन दैट इंटरेक्ट्स विथ
डीएनए, ये चिलेशन करते हैं, और ये चिलेशन के किसका मतलब प्रोड्यूस चिलेशन ऑफ कॉपर और आयरन आयन्स के साथ में कर देंगे। जब ये चिलेशन कर देते हैं कॉपर और आयरन के साथ में, मतलब आयरन के साथ में, तो ये क्या करते हैं एक सुपर ऑक्साइड क्या कर देते हैं आयन बना देते हैं, जो कि क्या करता है डीएनए से इंटरेक्ट करता है। फिर है डिग्रेड परफॉर्म डीएनए कॉजिंग चेन फ्रेगमेंटेशन एंड रिलीज ऑफ फ्री बेसिस। ये क्या कर देते हैं डिग्रेड कर देते हैं परफॉर्म मतलब डीएनए जो होता है उसको डिग्रेड कर देते हैं, चेन का फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। अगर चेन का फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा तो क्या होगा, और ये क्या करेंगे चेन का फ्रेगमेंटेशन कर देंगे और रिलीज कर देंगे फ्री बेसिस को। अब ये डेक्टिनोमाइसिन और डोनोरुबिसिन की क्या है ड्रग स्ट्रक्चर्स है। डेक्टिनोमाइसिन जो होता है वो विल्म्स ट्यूमर में यूज़ किया जाता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कार्सिनोमास में यूज़ किया जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं बोन मैरो सप्रेशन, इरिटेंट लाइक जैसे मैक्लोरिथामाइन होता है वैसे ही इरिटेंट होता है, सेंसिटाइज टू रेडिएशन एंड इन्फ्लामेशन एट साइट्स ऑफ प्रायर, मतलब ये क्या है सेंसिटाइज है रेडिएशन और इन्फ्लामेशन के साथ में, मतलब ज़्यादा ये क्या करता है रेडिएशन मतलब इन्फ्लामेशन कॉज हो जाती है। फिर है रेडिएशन थेरेपी में आकर, मतलब रेडिएशन थेरेपी भी रेडिएशन थेरेपी में मतलब होने लग जाती है या इसका साइड इफ़ेक्ट है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में इनको ज़्यादातर, मतलब जो भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कार्सिनोमा में है सबसे ज़्यादा इनको क्या किया जाता है यूज़ किया जाता है। फिर है डोनोरुबिसिन की, डोनोरुबिसिन जो होता है उसका हम यूज़ करते हैं ग्रेनुलोसाइटिक ल्यूकेमियाज में, और इसका साइड इफ़ेक्ट है कार्डियोटॉक्सिसिटी, बोन मरो डिप्रेशन और एलोपेसिया। ठीक है, हमने देखा कि डेक्टिनोमाइसिन जो है वो विल्म्स ट्यूमर में यूज़ हो रहा है, और डोनोरुबिसिन है जो ग्रेनुलोसाइटिक जो ल्यूकेमियाज होते हैं उनमें इनको यूज़ किया जाता है। डॉक्सोरुबिसिन, डॉक्सोरुबिसिन जो है उसका यूज़ होता है यूज्ड इन एक्यूट ल्यूकेमियाज, मैलिग्नेंट लिम्फोमास एंड मेनी सॉलिड ट्यूमर्स, डायरेक्ट इंस्टॉलेशन इन ब्लैडर कैंसर, मतलब ये जो ब्लैडर कैंसर जाते हैं उनमें क्या किया जाता है डॉक्सोरुबिसिन को यूज़ किया जाता है। इसका साइड इफ़ेक्ट है कार्डियोमायोपैथी, मतलब हार्ट पे जाके ही ये क्या करता है हार्ट को, मतलब हार्ट पे जाके इफेक्ट करेगा। ब्लूमाइसिन, ब्लूमाइसिन जो है उसका यूज़ है इपिडर्मोडा मतलब जो कैंसर ऑफ स्किन्स होती हैं, मतलब स्किन पे जितने कैंसर्स होते हैं वहाँ पे ब्लूमाइसिन को यूज़ किया जाता है, ऑरल कैविटी में, जेंटो यूरिनरी ट्रैक में, ईसोफेगस टेस्टिकुलर ट्यूमर्स में, हॉजकिंस जो लिम्फोमास होते हैं उनमें इनको क्या किया जाता है यूज़ किया जाता है। उसके बाद है एडवर्स इफेक्ट, इनके न्यूमोनाइटिस हो जाता है इससे, फैटल पल्मोनरी फाइब्रोसिस, हाइपर पिगमेंटेशन होने लग जाता है, स्पेयर्स ऑफ बोन मैरो होने लग जाते हैं। ठीक है, ये इसका ब्लूमाइसिन के इनके यूजेस हैं और इनके एडवर्स इफेक्ट हैं। अब हम बात करते हैं मिसलेनियस ड्रग के बारे में। मिसलेनियस जो ड्रग है उसमें सबसे पहले सिसप्लैटिन, सिसप्लैटिन का ये क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। सिसप्लैटिन एंटर्स द सेल, सिसप्लैटिन जब हम देंगे किसी को एडमिनिस्टर करेंगे तो वह सेल के अंदर एंटर होगी, क्लोरीन डिसोसिएट लिविंग अ रिएक्टिव कॉम्प्लेक्स दैट रिएक्ट्स विद वाटर। क्लोरीन डिसोसिएट होगा और ये क्या करेगा रिएक्टिव कॉम्प्लेक्स बना देगा, और वो जो रिएक्टिव कॉम्प्लेक्स होगा वो भी किससे रिएक्ट करेगा, वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। वाटर के अगर साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा इंटरैक्ट कर देगा डीएनए के साथ में, डीएनए के साथ में क्या होगा इंट्रैक्शन बढ़ेगा, इंट्रैक्शन बढ़ने के बाद कॉजेज इंट्रा स्ट्रैंड क्रॉस लिंकिंग प्रोबेबली बिटवीन N7 एंड O6 ऑफ एडजेसेंट ग्वानिन मॉलिक्यूल्स। मतलब जैसे हमने बात की थी अल्कलाइटिंग एजेंट में भी N7 पोजीशन, ग्वानिन की N7 पोजीशन पे क्या होता है अटैचमेंट होता है, और फिर क्या करता है वो अल्कलाइटिंग एजेंट मतलब उसकी क्रॉस लिंकिंग कर देता है। तो यहाँ पे भी क्या है क्रॉस लिंकिंग हो रही है, और क्रॉस लिंकिंग जब होगी तो उसके बाद क्या होगा रिजल्ट इन लोकल डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, मतलब जो डीनेचुरेशन हो जाएगा डीएनए का। ठीक
ठीक है, सेल ने पहले सेल में क्या हुआ, सिस्प्लैटिन एंटर हुआ, फिर डिसोसिएट हो गया, डिसोसिएट होने के बाद में उसने रिएक्ट कर दिया वाटर के साथ में और डीएनए के साथ इंट्रैक्ट हुआ और फिर उसके बाद में क्रॉस लिंकिंग कर दिया, क्रॉस लिंकिंग होने के बाद में क्या हुआ, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए हो गया। अब मिसलेनियस ड्रग में मीटोटेन है, मीटोटेन का एज सच कोई यूज अभी तक इतना पता नहीं चला है। मीटोटेन इज एन एड्रिनल साइटोटॉक्सिक ड्रग एजेंट विद एन अननोन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अभी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं है। मीटोटेन मॉडिफाइज द पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ स्टेरॉइड्स एंड डायरेक्टली सप्रेस द एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये क्या करती है, ज़्यादातर जो रीनल जो मेटाबॉलिज्म ऑफ स्टेरॉइड्स को मतलब मॉडिफाई कर देती है या फिर डायरेक्टली सप्रेस कर देती है एड्रिनल कॉर्टेक्स को। ठीक है, यहाँ तक हमारा एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट पूरा फिनिश हो गया है। उसके बाद ये इसकी स्ट्रक्चर्स है, सिस्प्लैटिन यूज इन टेस्टिकुलर कार्सिनोमा ल्यूकेमिया, इसकी साइड इफेक्ट देख सकते हैं नेफ्रोटॉक्सिसिटी ऑटोटॉक्सिसिटी। मीटोटेन है, मीटोटेन क्या होता है, हमने जैसे इसका यूजेस पहले भी देखा कि एड्रिनल वहाँ पे काम करता है एड्रिनल ग्लैंड पे, तो इसका कैंसर में भी मतलब जो एड्रिनल ग्लैंड पे जो कैंसर होते हैं उन पे मीटोटेन को यूज़ किया जाता है। और इसमें साइड इफेक्ट है लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख लगना कम हो जाता है, इसमें भूख नहीं लगती है। ठीक है, ये पूरा एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट ख़त्म हो चुका है, आई होप आपको सब समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।